मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज हम सामान्य ज्ञान से 2019 के सीएचएसएल एग्जाम में पूछे जाने वाले 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का वीडियो नंबर 2। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर अब तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन क्लिक करना भी ना भूलें। और हाँ, जैसे इस वीडियो पर 100 प्लस व्यू और 20 प्लस लाइक हो जाएंगे, तब हम इसकी पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देंगे, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसलिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। 2018-19 में किस राज्य ने ई लर्निंग प्रशिक्षण में टॉप किया है? तो है तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना राज्य ने 2018-19 में ई लर्निंग प्रशिक्षण में टॉप किया है। तेलंगाना राज्य की बात करें तो तेलंगाना राज्य का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2 जून 2014। कैपिटल है इसकी हैदराबाद। गवर्नर है ईएसएल नरसिम्हन राव। चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। लेजिस्लेटर है यूनिकैमरल। राज्यसभा सीट है 7 और लोकसभा सीट है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दवा का प्रयोग चिंतारोधी दवा के रूप में किया जाता है? डायजेपेम दवा का प्रयोग, यानी कि डायजेपेम दवा का प्रयोग चिंतारोधी दवा के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकस बेंगलेसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? बरगद का, यानी कि जो फाइकस बेंगलेसिस है वो बरगद का एक साइंटिफिक नेम है। पाइनएप्पल के साइंटिफिक नेम के बारे में बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है अनानास कोमोसुस, और इसके अलावा तुलसी का साइंटिफिक नेम है ओक्यूमो टेनोफ्लोरियम, और इसके अलावा जो बबुल का साइंटिफिक नेम है वो वेकेलिना नीलोटिका। तो ये थे इन सभी के साइंटिफिक नेम। 2018 में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिताली राज को। मिताली राज को 2018 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वस बर्चेली किसका वैज्ञानिक नाम है? तो जेब्रा का। एक्वस बर्चेली जेब्रा का एक साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा यदि हॉर्स के साइंटिफिक नेम के बारे में बात करें तो उसका साइंटिफिक नेम है एक्वस कावालुस, और इसके अलावा बफेलो के साइंटिफिक का नेम है बावालुस बावालिस, और डंकी का साइंटिफिक नेम है एक्वस एसिनियस। तो ये थे इन सभी के साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में अधिक होती है? जिंक की। जिंक की परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में अधिक होती है। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है 29 होता है। इसके अलावा क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 24 होता है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, और जिंक का एटॉमिक नंबर 13 होता है, जो कि कॉपर की तुलना में अधिक होता है। 2018 में भारत का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? मंगलुरु हवाई अड्डे को, यानी कि 2018 में जो भारत का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा है वो मंगलुरु हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया? पहली पीढ़ी में, यानी कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विपिन आनंद को। विपिन आनंद को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमुरा किस राज्य का लोक नृत्य है? ओडिशा राज्य का, यानी कि जो घुमुरा लोक नृत्य है ओडिशा का लोक नृत्य है। ओडिशा राज्य के बारे में बात करें तो ओडिशा कैपिटल है भुवनेश्वर। गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। तो ये थी ओडिशा राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, और हाँ, 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का प्रबल अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का प्रबल अनुयायी था। जैन धर्म के बारे में बात करें तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से जो पहले थे वो थे ऋषभदेव, 24वें थे महावीर स्वामी और 23वें थे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने
अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायेद पदक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। तो यूएई देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायेद पदक से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। यूएई के बारे में बात करें तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, लार्जेस्ट सिटी है दुबई, और इसके अलावा यूएई के जो प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायेद अल नाहयान, ये यूएई के प्रेसिडेंट है। और इसके अलावा यूएई के जो प्राइम मिनिस्टर है तो है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, ये यूएई के प्राइम मिनिस्टर है। तो ये थी यूएई से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच में लड़ी गई थी? बाबर के बीच में। यानी कि जो 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई थी। बाबर मुगल वंश का प्रथम शासक था। पानीपत के युद्ध के बारे में बात करें तो आप सभी को पता होगा कि पानीपत की तीन लड़ाइयां हुई थी। पहली हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में अकबर और हैमू के बीच में, और तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में अफगानों के बीच और मराठों के बीच में। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत के पंखे का आविष्कार किसने किया था? फिलिप डीहल ने। फिलिप डीहल ने छत के पंखे का आविष्कार किया था। और इसके अलावा जो मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी वो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा यंग मापक की इकाई क्या है? तो पास्कल। भौतिक मात्रा यंग मापक की जो इकाई है वो पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब की संसदीय लोकसभा की सीट कितनी है? 13 सीट। यानी कि जो पंजाब की संसदीय लोकसभा है उसकी सीट 13 सीट है। आइए जान लेते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है वीपी सिंह बेंदोरे और चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो ये थी पंजाब से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो माइकल फेल्स के। ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने का जो रिकॉर्ड है माइकल फेल्स के नाम है। माइकल फेल्स के बारे में बात करें तो ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने टोटल ओलंपिक में 28 मेडल जीते हैं। और ये माइकल फेल्स किस फील्ड से संबंधित है? तो ये एक तैराक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? जैसलमेर किले को। जैसलमेर किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर किले का निर्माण किसने करवाया था? रावल जैसल ने करवाया था। और कब करवाया था? 1155 में। और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे रावल जे। यानी कि इसका जो नक्शा किसने तैयार किया था? रावल जे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहरीन ग्रांड प्री 2019 का विजेता कौन है? लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रांड प्री 2019 का खिताब जीता है। लुइस हैमिल्टन किस देश के हैं? ब्रिटेन यूके के। तो आइए बात कर लेते हैं यूके के बारे में। यूके की कैपिटल है लंदन, लेजिस्लेटर है पार्लियामेंट, मोनार्च है एलिजाबेथ द्वितीय, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है थेरेसा मे। तो ये थी यूके ब्रिटेन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलते हैं हमारे अगले सामान्य ज्ञान से 2019 के CHSL के एग्जाम में पूछे जाने वाले 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।